सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात से खपा है, हमारे संविधान में इन पागल कुत्तों को दंड देने का कोई अच्छा सा प्रावधान नहीं है। हम भारत सरकार से विनती करते हैं, केंद्र सरकार से विनती करते हैं, इन पागल कुत्तों को दंड देने का कोई अच्छा सा प्रावधान निकालें। जो ये JNU वाली गैंग है, हम इन्हें पागल कुत्ते बोल रहे हैं, ये पागल कुत्तों के समान है जो अपने देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे हरियाणा के बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, पागल कुत्तों को बिना देरी करे एडजस्ट कर देना चाहिए। जो दिल्ली में उमर खालिद वाली घटना घटी थी, उसके जिम्मेवार मैं दरवेश शाहपुर और भाई नवीन दलाल मांडोठी हम दोनों हैं। पुलिस से विनती है, किसी भाई को बिना वजह परेशान ना करें। हमारे देश के महान देशभक्त कवि डॉक्टर हरिओम पवार की कविता हम शर्मिंदा हैं, भारत मुर्दाबाद बोलने वाले जिंदा हैं, ऐसी ऐसी कविताओं ने हमारे अंदर की देशभक्ति को जिंदा रखा और हम उनकी कविताओं से प्रेरणा लेकर भारत को आज़ादी के मौके पर स्वतंत्रता दिवस पर ये एक तोहफा देना चाहते थे। हम पुलिस प्रशासन से विनती करते हैं, किसी भाई को बिना वजह परेशान न करें। हम 17 तारीख दोपहर 12 बजे महान देशभक्त करतार सिंह सराभा के गांव में करतार सिंह सराभा के घर पर अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। पुलिस प्रशासन से विनती है कि वो हमें रास्ते में रोकने की कोशिश ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमें अपना रूट चेंज करना पड़े और कहीं जाना पड़े। हम प्रशासन से विनती करते हैं, आप हमें रास्ते में परेशान ना करें, हम सीधे करतार सिंह सराभा के घर जाएंगे। कि हमने ये जो कार्य किया है अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए किया है। अगर इसमें हमारी जान जाती है तो हमें उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जो अफजल जैसे आतंकवादी इस देश में हम पैदा नहीं होने देंगे, क्योंकि इसने जो कहा था कि भारत माता भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो लोग भारत देश में रहते हैं और भारत माता के टुकड़े करने के ऊपर अपना पूरा जोर अपना प्रयत्न करते हैं, और जो एक आतंकवादी जो हमारे देश पर हमला करता है और उसके जनाजे उसकी बरसी मनाने के उस पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत के टुकड़े होंगे नारे और अन्य देशद्रोही नारों के साथ वह इस देश में ऐसे नारे लाता है और इसी देश में पैदा हुआ, इसी देश को अगर वो तोड़ने की बात करते हैं तो हम ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं सभी देशवासियों के कि ये जो लड़ाई है जो हमने शुरू की है, इस लड़ाई में हमारा साथ दे और जो देशद्रोही है उनका साथ समर्थन न दे। मीडिया प्रशासन और हमारे देश के नौजवान तो अपना काम कर ही रहे हैं, इन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा जो कि हमारे देश की नींव है। उनके प्रति भी इन्होंने बहुत अभद्र भाषा और अभद्र सोच के साथ उनकी टिप्पणी की है। तो हम यही कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि किसी निर्दोष को इसमें किसी प्रकार का कोई अपना ये बोलता उमर खालिद बोलता है कि हमको इस देश में खौफ है। अरे ये देख, देश में सीमा पर कितने फौजी यार रोज शहीद हो रहे हैं, कितने पुलिस वाले बेचारे दिन रात सड़कों पर खड़े रहते हैं, और अगर तेरे को फिर भी खौफ है तो पाकिस्तान चला जा, और नहीं तो तेरा खौफ तो मिटना था भाई साहब। और तू कड़े अफजल फायदा करने की बात कर रहा था, दो थपड़ा में तो तू रो पड़ा। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय हो।